बारखेड़ का पंचनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं मार्केट्स की, तो देखिए दिसंबर की दमदार तेजी के बाद आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का आलम मंदी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन मार्केट में ब्रॉडर एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त था। तो बात करते हैं मार्केट की, आज बैंकिंग शेयर्स में लगभग 2% की एवरेज गिरावट थी, जिसके कारण आज मार्केट में थोड़ा बहुत ओवरऑल दबाव देखने को मिला। इसके अलावा ऑटो और आईटी कंपनीज में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, जिसके कारण एक बाउट ऑफ सेलिंग हमने देखा मार्केट में। सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत रिकवरी भी हुआ, लेकिन स्टार सेक्टर ऑफ द डे अगर मैं कहूँगा किसी को तो वो है FMCG, चाहे वो ITC हो, HUL हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हमको पूरे के पूरे पैक ने दिखाया। और खास करके गोदरेज कंज्यूमर, जिसकी कल एनालिस्ट मीट है, वहाँ पे भी हमको दमदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें, ITC, HUL, नेस्ले, कोटक, ब्रिटानिया में बहुत अच्छी बाइंग थी, तेजी का माहौल था। लेकिन लूजर्स की बात करें तो फिर से एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक में प्रॉफिट टेकिंग के चलते मार्केट में दबाव था। मिडकैप में एक्शन भरपूर था। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI में 20% का सर्किट लगा, जहाँ की करूर वैश्या बैंक, स्पाइसजेट, वोखार्ड में हमने 5-7% का अपट्रेंड देखा। इसके अलावा 52 हफ्तों के हाई पे हमने ट्यूब इन्वेस्टमेंट को आते हुए देखा। Naukri.com, जिसका नाम InfoEdge भी है, Zomato का पेरेंट, वहाँ पे हमने अच्छी खरीदारी देखी। GNFC, चंबल फर्टिलाइजर और डिक्सन टेक्नोलॉजीज वो चुनिंदा शेयर्स थे जहाँ हमने बहुत बढ़िया एक्शन देखा। तो चलिए लेते हैं आपकी सिलेक्ट क्वेरीज और किस हिसाब से आज आपकी क्वेरीज हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में ओवरऑल तेजी का माहौल है, खास करके मिड कैप्स में बहुत एक्शन है। बहुत ही संभल के ट्रेडिंग करिए, क्योंकि मार्केट एकदम पीक पे है, तो स्टॉप लॉसेस ज़रूर रखिए और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करते रहिए। अगर आप क्वेरीज की बात करें तो चलिए, अब 22 क्वेरीज तो आ गई हैं। सुबीन तलवार जी पूछ रहे हैं टाटा केमिकल पे क्या व्यू है, और टाटा केमिकल पे देखिए टाटा सन्स की खरीदारी चालू है, उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज में अपना हिस्सा बढ़ाया है, तो प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया कॉन्फिडेंस का साइन क्या हो सकता है। अगर आपके पास टाटा केमिकल के शेयर हों तो ज़रूर उसको होल्ड करिएगा। अजय सिंह डोढ़िया पूछ रहे हैं UPL 450 उन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए। देखिए आज 4:30 बजे कंपनी का एक कॉन्फ्रेंस कॉल है इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के साथ, जहाँ काफ़ी सारी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन होगा, और अगर वो क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री रहा तो कल वापस एक बार UPL में हमको एक बाउंस बैक ट्रेड आता हुआ दिखेगा। LIC हाउसिंग की अगर आप बात करें तो देखिए पूरे NBFC सेक्टर में सबसे अंडर वैल्यूड कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ट्रेडिंग के लिहाज से आपने लिया हो तो स्टॉप लॉसेज रखिए, और अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए। अच्छा, हेमंत पिपवाला पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस पे और HDFC बैंक पे लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए भाई, दोनों कंपनीज बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक बहुत बेहतरीन कंपनीज है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई शक नहीं है, यहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए, और आपका अगर आपके पास शेयर हो तो इसको होल्ड रखें। इसके अलावा आरती अग्रवाल जी पूछ रही हैं टाटा मोटर्स, उन्होंने 183 पे खरीदा है, व्यू क्या है। देखिए व्यू बहुत सिंपल है, अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो चाइना और अमेरिकन मार्केट में टाटा मोटर्स की जो इकाई है जैगवार लैंड रोवर, उसकी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, और जापानीज मार्केट में भी इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की बातें कही हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, एशिया हो चाहे US हो, यूरोप हो, रिकवरी की बातें चल रही हैं, और इसी माहौल में टाटा मोटर्स शेयर बढ़िया लगता है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिया हो तो इस पर स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने इसमें निवेश किया हो तो 200 से लेकर 225 तक के लेवल्स यहाँ हमको देखने को मिलेंगे। अच्छा, राजेश बग्गा जी पूछ रहे हैं GNFC इस लेवल पे क्या है। देखिए मिड कैप में बहुत तेजी का माहौल है, खास करके केमिकल शेयरों में बहुत तेजी का माहौल है। GNFC सरकारी कंपनी है, अच्छे डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, अगर आपके पास GNFC के शेयर हो तो होल्ड करिए, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, यहां से 15-20% का अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो GNFC में बने रहिए अगर आपके पास शेयर हो तो, व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। नीलेश शाह जी पूछ रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर पे भी, उन्होंने 150 शेयर खरीदे 168 पे। देखिए कंपनी ने राइट्स इशू के द्वारा पैसे इकट्ठे किए हैं, डेट रिडक्शन का प्लान है, फर्टिलाइजर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। थोड़े दिनों पहले हमारी सिस्टर चैनल CNBC TV18 पे कंपनी ने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे भी कमेंट्री बहुत अच्छी थी। अगर आपके पास शेयर पड़े हुए हैं तो यहाँ से 15-20% का गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो चाहे वो GNFC हो, दीपक फर्टिलाइजर हो, दोनों ही कंपनीज में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये मिड कैप है कंपनी, अच्छी स्टेबल मैनेजमेंट वाली मिड कैप्स हैं,
जहां आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा आदेश कुमार जी टानला पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए टानला सॉल्यूशंस एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है लॉकडाउन का, पिछले 6 महीनों में स्टॉक लगभग 10 गुना हुआ है। और यहां से अगर आप मुझे व्यू पूछेंगे तो मेरा व्यू बहुत सिंपल रहेगा, अगर आपको फ्रेश एंट्री चाहिए तो प्लीज़ अवॉइड करिए, अगर आपके पास शेयर हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि ये शेयर इतना भागा हुआ है कहीं ना कहीं आपको अपना प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं 1000 शेयर उन्होंने 45 रुपीज़ पे लिए लेमन ट्री के। देखिए CNBC आवाज़ अगर आप देखते हो तो पिछले 1.5 महीने 2 महीने से हम लोग होटल स्टॉक्स के बारे में रेकमेंड कर रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ रिकवरी सबसे तेज देखने को मिल रही है। आपके पास अगर होटल शेयर हो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टू मीडियम टर्म व्यू है तो लेमन ट्री है, शैले होटल्स है, ये सब कंपनियों में आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये सही लेवल नहीं है खरीदारी करने का। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पुराना हो तो होटल स्टॉक्स में प्लीज़ आप होल्ड पे रह सकते हैं। अच्छा शुभम जी अदानी गैस पे व्यू पूछ रहे हैं क्या किया जाए। देखिए अगर आपके पास ये शेयर हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, कंपनी अभी टोटल के मैनेजमेंट के अंदर है, अदानी ग्रुप एक पार्टनर है, टोटल जो एक फ्रांस की कंपनी है वो भी यहाँ एक पार्टनर है, तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो अदानी गैस में लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा बनेगा, क्योंकि गैस की थीम देखिए बहुत बड़ी है इंडिया में, क्लीन एनर्जी की थीम बहुत बड़ी है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं अदानी गैस आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट में हो तो आप रखें। नए शेयर लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक में काफ़ी बड़ा रनअप हमने आता हुआ देखा है। अच्छा रेमंड पे शिवानंद जी व्यू पूछ रहे हैं। देखिए शिवानंद जी रेमंड का जो टेक्सटाइल बिजनेस है रिकवरी स्लो है, क्योंकि कपड़े की खरीदारी पे सीधा असर हुआ है लॉकडाउन के चलते, लेकिन इसके अंदर और एक पहलू है, इसकी थाने की लैंड बैंक, थाने जो कि मुंबई के बाहर एक ज़िला आता है, वहाँ हमने देखा है कि उनकी लैंड में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसका काम। तो अगर कंपनी को आगे चलते हो आपको देखना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो लैंड बैंक जो है इनकी थाने में, वहाँ जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है, जो रेजिडेंशियल घर बनाने वाले हैं, वो वहाँ से अच्छे रेवेन्यू आ सकते हैं। और सीधी बात है टेक्सटाइल बिजनेस बहुत दिन तक नहीं दबा रह सकता, कपड़े का बिजनेस बहुत दिन तक नहीं दबा रह सकता, कहीं ना कहीं वहाँ भी हम डिमांड वापस आते हुए देखेंगे। भावेश जोशी जी पूछ रहे हैं लार्सन पे व्यू। देखिए लार्सन तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप बने रहें, अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिहाज से है तो स्टॉक मोमेंटम में है, मार्केट मोमेंटम में है, बने रहिए। लेकिन प्लीज़ 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 मत भूलिए आपको अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना है जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज पैसा अपना है, और अगर पैसा अपना है तो हमको अपने नुकसान का ध्यान तो देना पड़ेगा। प्रॉफिट तो बनाते रहेंगे, पैसे तो कमाते रहेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस का प्लीज़ आपके जहन में ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिहाज से, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आखिरी क्वेरी लूंगा क्योंकि मुझे एक शो के लिए जल्दी से दौड़ के जाना है। विनोद प्रजापति जी वोडाफोन और स्पाइसजेट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए स्पाइसजेट आप अगर ये चैनल देख रहे हो ना तो 50 से 60 रुपये में बहुत रिकमेंडेशन हुए दिवाली पे, मैंने खुद ने डीलिंग रूम में ये बताया था कि डीलर्स काफ़ी बुलिश हैं, HNI लोग का काफ़ी इसमें पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ से शेयर चलेगा। 100 रुपये का प्राइस आज हमको देखने को मिला, तो बहुत अच्छे टेक्निकल लेवल पे स्पाइसजेट है। यहाँ से अगर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से काम करना है तो आप खरीदारी कर सकते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ। और जहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया का सवाल है, कंपनी अगर आप देखें तो बहुत इम्प्रूव कर रही है, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, और $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी की प्लानिंग है कि फंड रेज किया जाए अपने फाइबर एसेट्स को बेच के, स्टेक सेल करके, कर्ज जुटा के। तो अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म में कोई भी टाइप का कैपिटल मिलता है, चाहे वो NCD से लाए, कर्ज लेके लाए, बैंक लोन से लाए, कोई टाइप का फाइबर एसेट बेचे जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, तो अगर वो होता है तो वोडाफोन आइडिया में हमको 12 से 13 रुपए के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो आइडियली अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो 8-8.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 9.5 से 10 की रेंज में शेयर को अक्यूमुलेट करिए, 12 से 13 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ हमको देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी कल मार्केट का पंचनामा में, इसी वक्त इसी समय इसी दिन।